आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स 7.1 कुछ सवाल एक से लेकर पाँच तक जो बच गया था 7.1 में, आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला सवाल ये था आपका कि एक नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डी एक्स बराबर, इसका डायरेक्ट हो जाएगा -1/2 कॉस 2x। चूंकि इसमें कहा गया था कि निरीक्षण विधि के द्वारा आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप इसको इसलिए ऐसा हमने लिखा चूंकि डी वाई डी एक्स -1/2 कॉस 2x इज इक्वल टू -1/2 साइन 2x इंटू 2 बराबर साइन 2x मेरा प्राप्त हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब नंबर दो है कॉस 3x, तो इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x डी एक्स बराबर लिख सकते हैं 1/3 साइन 3x। चूंकि डी वाई डी एक्स 1/3 साइन 3x बराबर 1/3 कॉस 3x इंटू 3 बराबर कॉस 3x। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले समझा दिया है, इसलिए हम अब उतना विस्तार नहीं कर रहे हैं इसको, सिर्फ आपको देखना है कि कैसे क्या हुआ। अब तीसरा नंबर सवाल है ई टू दी पावर 2x, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए ई टू दी पावर 2x डी एक्स। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 ई टू दी पावर 2x, चूँकि निरीक्षण विधि से सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं डी वाई डी एक्स 1/2 ई टू दी पावर 2x बराबर 1/2 ई टू दी पावर 2x इंटू 2 बराबर हमारा हो जाता है ई टू दी पावर 2x, क्योंकि ये 2 2 समाप्त हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 समाप्त हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 क्लियर हो जाएगा। अब आप चार नंबर में देखिए, चार नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, तो ये आपका हो जाता है 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब। चूंकि डी वाई डी एक्स 1/3 ए इंटू ए एक्स प्लस बी बराबर, आप लिख सकते हैं इसको 1/3a इंटू 3 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये ए ए क्लियर, 3 3 क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर।
अब पांचवा नंबर सवाल है, साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। तो इसको सॉल्व करते हैं, साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx। ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस 4 e टू द पावर 3x बाय 3 बराबर 1 बाय 2 कॉस 2x माइनस 4 बाय 3 e टू द पावर 3x। अब आप इसको क्योंकि निरीक्षण विधि से कर रहा है तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं निरीक्षण विधि के द्वारा, तो dy dx माइनस 1 बाय 2 cos 2x बराबर माइनस 1 बाय 2 माइनस sin 2x इंटू 2 बराबर साइन 2x तथा dy dx 4 बाय 3 e टू द पावर 3x। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को देखेंगे, एक्सरसाइज 7.2 जो कि हमारा शेष सवाल बताया गया था पहले आप लोगों को, एक से लेकर 4 तक, और आज हम लोग 1 से लेकर 5 तक के अंतर्गत जो सवाल है उसको अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि 1 से 4 तक तो क्लियर हो चुका था, अब हम लोग 1 से 5 तक के सवालों को ढंग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पांचवा नंबर सवाल मेरा क्या है। तो पांचवा नंबर सवाल आपका ये है, देखिए पांचवा नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। तो मान लीजिए लेट, ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगेन मान लीजिए, अगेन लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मान लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं अगर आप, तो ये आपका हो जाएगा ए साइन सॉरी ए कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और ए एक्स प्लस बी का हो गया ए आपका, इसलिए ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर इसका कीजिएगा डिफरेंशिएट तो डी टी। तो अब इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाय। अब आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है, तो यहाँ लिख दीजिए टी इंटू इतना डी एक्स बराबर आ गया है डी टी बाय, तो इसको लिख सकते हैं डी टी बाय। अब आप 1 बटा ए
बाहर निकाल लीजिए, ये आपका हो गया डी टी बाय टी। तो आप इसको, सॉरी डी टी बाय टी नहीं होगा बल्कि टी डी टी होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं वन बाय ए, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, तो ये हो गया वन बाय टू ए। और टी का वैल्यू आपने रखा था, टी का वैल्यू आपका है साइन ए एक्स प्लस बी, इस पर आप पूरे पर होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए प्लस सी, ये आपका रिजल्ट रहा। अब हम लोग छठा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो छठा नंबर में है आपका, देख सकते हैं आप छठा नंबर में क्या है। छठा नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो सबसे पहले आप इसको ए एक्स प्लस बी टू दी पावर हाफ डी एक्स लिख दीजिए। अब फार्मूला यूज कीजिए, फार्मूला कहता है कि ए एक्स प्लस बी टू दी पावर ए बटा टू प्लस वन बटा ए बटा टू प्लस वन, और फिर ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा आपका वन बाय ए। तो आप इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी टू दी पावर दो एक और दो एक तीन बटा दो बटा तीन बटा दो गुना वन बाय ए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब इसको पलटा लीजिए, दो बटा तीन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर थ्री बाई टू इंटू वन बाय ए। तो अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दो बटा थ्री ए इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी, अर्थात कांस्टेंट। इस तरह से हमने एनसीईआरटी 7.2 का 5 और 6 नंबर का सवाल देखा, और साथ ही जो है 7.1 का जो पीछे बचा हुआ था सवाल उसको भी हमने हल किया। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये पीछे बनाया जाएगा, तो हमने आज क्लियर कर दिया इसको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।